कैसे है आप लोग? होपफुली इस सिचुएशन में यू आर डूइंग वेल। तो हम लोग का लास्ट वीडियो था ICH हार्मोनाइज्ड ट्राइपार्टाइट गाइडलाइन ICH Q7 गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस गाइड फॉर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हम लोगों ने उसमें पार्ट वन बनाए थे और उसमें इस गाइडलाइन का आधा हिस्सा डिस्क्राइब किए थे, बाकी आधा हिस्सा पार्ट टू विदाउट लूजिंग एनी टाइम। चलिए शुरू करते हैं। तो पार्ट वन हम लोग मटेरियल मैनेजमेंट पे जाके खत्म किए थे, अभी पार्ट टू शुरू करते हैं प्रोडक्शन एंड प्रोसेस कंट्रोल से, प्रोडक्शन ऑपरेशन। तो चलिए देखते हैं प्रोडक्शन ऑपरेशन में होता क्या है। इफ अ मटेरियल इज सब डिवाइडेड फॉर लेटर यूज इन प्रोडक्शन ऑपरेशन, द कंटेनर रिसीविंग द मटेरियल शुड सुटेबल एंड शुड बी आइडेंटिफाइड दैट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन शुड बी देयर, मटेरियल्स नेम एंड इट्स आइटम कोड, रिसीविंग और कंट्रोल नंबर, वेट और मास ऑफ द मटेरियल इन द न्यू कंटेनर, री इवेल्युएशन और रिटेस्ट डेट इफ एप्रोप्रिएट। अदर क्रिटिकल एक्टिविटीज शुड बी विटनेस्ड और सब्जेक्टेड टू द इक्विवेलेंट कंट्रोल, एक्चुअल यील्ड शुड बी कंपेयर्ड विद द एक्सपेक्टेड यील्ड एट डेजिग्नेटेड स्टेप्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, डेविएशन इन द यील्ड एसोसिएटेड विद क्रिटिकल प्रोसेस स्टेप्स शुड बी इन्वेस्टिगेटेड टू डिटरमाइन द इम्पैक्ट और पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन द रिजल्टिंग क्वालिटी ऑफ द अफेक्टेड बैचेस, एनी डेविएशन शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड एक्सप्लेन प्रॉपरली, एनी क्रिटिकल डेविएशन शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। अभी देखते हैं टाइम लिमिट्स। टाइम लिमिट्स मे बी इनअप्रोप्रिएट व्हेन प्रोसेसिंग टू द टारगेट वैल्यू, लाइक पीएच एडजस्टमेंट्स, हाइड्रोजिनेशन, ड्राइंग टू द डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस, बिकॉज कंप्लीशन ऑफ द रिजेक्शंस और प्रोसेसिंग स्टेप्स आर डिटरमाइंड बाय इन प्रोसेस सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग। तो इन प्रोसेस सैम्पलिंग और उसका क्या कंट्रोल है, चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं। इन प्रोसेस कंट्रोल्स एंड देयर एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया शुड बी डिफाइंड बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गेन ड्यूरिंग द डेवलपमेंट स्टेज और हिस्टोरिकल डेटा। द एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड द टाइप ऑफ द एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग कैन बी डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द इंटरमीडिएट एंड एपीआई बीइंग मैन्युफैक्चर्ड, द रिएक्शन और प्रोसेस स्टेप्स being conducted and the degree to which the process introduced variability in the product quality. Less stringent in process controls may be appropriate in early process steps, whereas tighter controls may be appropriate as for later processing steps. Example, isolation and purification steps. आगे चलते हैं, बढ़ते हुए देखते हैं blending batch ऑफ इंटरमीडिएट एंड एपीआई। अभी आगे ब्लेंडिंग कैसे करते हैं उसके थोड़ा बहुत जानते हैं उसके बारे में। एक्सेप्टेबल ब्लेंडिंग ऑपरेशंस इंक्लूड बट नॉट लिमिटेड टू ब्लेंडिंग ऑफ स्मॉल बैचेस टू इंक्रीज द बैच साइज, ब्लेंडिंग ऑफ टेलिंग्स दैट इज रिलेटिवली स्मॉल क्वांटिटी ऑफ आइसोलेटेड मटेरियल्स from the batches of the same intermediate or API to form the single batch. Blending process should be adequately controlled and documented, and the blending batch should be tested for conformance of the established specification or appropriate. While physical attributes of the API and the criticals like API intended for use in solid oral doses or in the suspensions, blending operations should be validated
to show the homogeneity of the combined batches. Validation should be include testing of critical attributes like particle size distributions, bulk density, tap density, etc. That may be affected the blending process. If there's a blending could adversely affect the stability, then stability testing of the final blend batch should be performed. The expiry or retest date of the blend batch should be based on the manufacturing data of the oldest tailing or batch in the blend. Abhi, agar blending ki baat, kuch contamination aaya, to contamination ko control karne ke liye is guideline mein kya tarika diya hai? Chaliye uske baare mein thoda jaan lete hain. Residual matter can be carried over into successive batches of the same intermediate or API if there is adequate control. Production operations should be conducted in a manner that will prevent contamination of intermediates or API by their materials. Precautions to be taken to avoid the contaminations should be taken when the API are handled after purification. मतलब purification जब तक चलेंगे तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि multiple steps वहाँ पे involved है. अगर purifications steps खत्म हो जाने के बाद जितना भी precautions लेना है contamination को prevent करना करने के लिए उसको लेना पड़ेगा. अभी batch तो बन गया, अभी packaging के बारे में देखते हैं. Packaging and identification of labeling of the API and intermediates. जन concept देखते हैं. There should be written procedures describing the receipt, identification, quarantine, sampling, examinations and testing or release, handling of the packaging and labeling materials. तो सीधी सीधी बात है कि ये एक general guideline है. इसमें packaging materials कहाँ से receive होता है, उसका identification, उसका कहाँ पे quarantine करके उसको रखेंगे, उसको sampling करने का क्या तरीका होगा, उसके बाद उसका examination, उसका testing. उसी में उसको सैंपलिंग कैसे करके ले जाने के बाद क्या टेस्टिंग होगा, टेस्टिंग हो जाने के बाद अगर वो रिलीज होता है तो रिलीज, अगर वो रिजेक्शन होता है तो रिजेक्शन, उसको हैंडलिंग करने का उसको क्या टेक्निक्स है उसके बारे में चलिए इस गाइडलाइन में जान लेते हैं. पैकेजिंग, सबसे पहले पैकेजिंग मटेरियल. कंटेनर शुड प्रोवाइड एडिक्वेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट deterioration or contamination of the intermediate or API that may occur during the transportation and recommended storage. Container should be clean and so where indicated by the nature of the intermediate or API, sanitized to ensure that they are suitable for intended use. This container should be non-reactive, additive or adsorptive so that the alternation in the quality of the intermediate or API should be done during the specified lifespan of the material. Abhi aage badhte hue chalte hain labeling. Label aur uska kaise control hota hai, label ka issuance aur label ka control, access to the label, storage areas across the plant should be limited and it should be done by authorized personnel only. Procedure should be used to reconcile the quantities of label used. It will be matched against the issued label and the returned label and to evaluate the discrepancies found during the batch manufacturing. Such discrepancies should be investigated and the investigation should be approved by the quality assurance QA, unit QA only. All the excess labels bearing the batch number, other batch related printing should be destroyed. Return label should be maintained and stored in a manner that prevents the mix up and provides proper identification.
obsolete and outdated labels should be destroyed immediately. Printed labels issued for such a batch should be carefully examined for proper identity and conformity of the specifications. It should be matched with the master production record. The results of these examinations should be documented. आगे बढ़ते हुए देखते हैं packaging and labeling operation. There should be documented procedures designed to ensure correct packaging material and labels are being used. If the intermediate or API is intended to be transferred outside of the control of manufacturers, then the material management system, the name and address of the manufacturer, quantities of the content and special transporter and its condition and any special legal requirement should be included in the label. For intermediate or API with an expiry date, the expiry date should be indicated on the label and certificate of analysis should be provided accordingly. For intermediate or API with retest date, the retest date should be indicated on the label and COA. Packaging and labeling facilities should be inspected immediately before the use to ensure that the material not needed for the next packaging operations have been removed. This examination should be documented in the batch production records and the facilities log or other documents as per the system requirements. Abhi aage badhte hue dekhte hain storage and distribution ke bare mein. Warehousing procedure ye kafi important hai ki storage aur uska distribution ka procedure kaise follow hoga. Facilities should be available for the storage of all the materials under appropriate conditions. Example, controlled temperature and humidity when necessary. And record should be maintained of these conditions if they are critical to be maintained of the material characteristics. अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन करने का प्रोसीड्यूर क्या है, तरीका क्या है. API और इंटरमीडिएट शुड ओनली बी रिलीज्ड फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू द थर्ड पार्टीज आफ्टर दे हैव बीन रिलीज्ड बाय द क्वालिटी यूनिट्स. API एंड इंटरमीडिएट कैन बी ट्रांसफर्ड अंडर द क्वारंटाइन टू अनदर यूनिट अंडर द कंपनीज कंट्रोल व्हेन द ऑथराइज्ड बाय द क्वालिटी यूनिट्स and appropriate controls or documentations should be in place. आगे बढ़ते हुए हम लोग जानेंगे सबसे critical जो है कि laboratory controls के बारे में. इसमें general control देखते हैं. The independent quality units should have at its disposal adequate laboratory facilities. There should be documented procedures describing sampling, testing, approval or rejection of the materials and recording and storage of the laboratory data. All specifications, sampling plans, test procedures should be scientifically sound and appropriate to ensure that the raw materials, intermediate or API and labels and packaging materials conform to establish the standards of the quality and its purity. Laboratory control should be followed and documented at the time of performance. Any out of specification result obtained should be investigated and documented according to the procedure. Reagent and standard, they should be prepared and labeled according to the written procedure. Primary reference standard should be obtained as appropriate for the manufacturer or PI. They should be taken from the official distributors from the regulatory bodies. When the primary reference standards is not available,
from the official recognized source. In that case, an in-house primary standard should be established. Secondary reference standard should be appropriately prepared and identified and tested and approved or stored. Testing of the intermediate and API. For each batch of the intermediate and API, appropriate laboratory test procedure should be followed and should be determined through conformance to the specification. An impurity is a profile describing the identified and unidentified impurities present in the typical batch produced by the specific controlled production process should normally be established for the API. The impurity profile should be compared to the appropriate individuals against the impurity profile of regulatory submissions or compared against the historical data in order to detect the changes in the API resulting from the modifications in raw materials, equipment, operating parameters, and the production process. Appropriate microbiological test should be conducted on each batch of intermediate and API where microbial quality is specified. Now let's discuss about the validation of analytical procedure. काफी important और सबसे critical जगह पे हम लोग आके पहुंचे. Let's discuss about certificate of analysis. Authentic certificate of analysis should be issued for each batch of intermediate and API. Information on the name of intermediate or API, including where the appropriate, its grade, batch number, the date of release, should be provided on the certificate of analysis. For intermediate or API, with the expiry date, should be provided on the label and certificate of analysis. For intermediate or API with a retest date, the retest date should be indicated on the label and COA. Let's discuss about stability monitoring of API. A documented ongoing testing program should be designed to monitor the stability characteristics of API, and the results should be used to confirm the appropriate storage conditions and the retest or expiry dates. Normally, the first three commercial production batches should be placed on the stability monitoring program to confirm the retest or expiry dates. However, these dates from previous studies show that the API is expected to remain stable for at least 2 years, then fewer batches can be used. Therefore, at least one batch per year of the API manufactured, unless none is produced in a year, should be added to the stability monitoring program and tested at least annually to confirm the stability. For API with shorter shelf life, testing should be done more frequently. Expiry and retest dating. When an intermediate is intended to transport outside of the control of manufacturer's material management system and an expiry or retest date is assigned, then supporting stability information should be available. Example, published date or test results. An API expiry or retest date should be based on the evaluation data derived from the stability studies. Common practice is to use the retest date, not the expiration date. Now, let's discuss about reserve sample or retention sample. हम लोग कभी कभी reserve sample भी बोलते हैं, कोई organization को retention sample भी बोला जाता है. The packaging and the holding of reserve sample is a purpose to the potential future evaluation of the quality of the batch of API
एंड इट इज नॉट फॉर द फ्यूचर स्टेबिलिटी टेस्टिंग पर्पस. तो ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर करने का जगह है कि जो भी रिजर्व सैंपल या रिटेंशन सैंपल रखा जाता है वो फॉर द फ्यूचर स्टेबिलिटी स्टडी पर्पस के लिए नहीं रखा जाता है, वो फ्यूचर पोटेंशियल इवेल्युएशन के लिए ऑफ द क्वालिटी बैचेस, जैसे मार्केट कॉम्प्लेन हो गया, कोई इन्वेस्टिगेशन पर्पस हो सकता है, कोई ओएस हो गया, इंसिडेंट हो गया, या कोई ऑडिट पर्पस से भी हो सकता है, एनीथिंग. तो दिस इज केप्ट ओनली फॉर द इवेल्युएशन पर्पस. Appropriately identified as reserve samples of each API should be retained for 1 year after the expiry. अगर expiry date API के ऊपर declare किया गया है तो expiry date के बाद 1 साल तक उसको रखना है, और 3 years after distribution of the batch. नहीं तो जब से batch commercially market में distribute हुआ उसके बाद से at least 3 साल तक उसको रखना है, whichever is longer. अभी यहाँ पे एक अच्छा क्राइटेरिया दिया है कि जो वो लंबा है, जो ज्यादा है, उसको आप फॉलो करो. अगर एक्सपायरी के बाद 1 साल, अगर जैसे मान लीजिए एक्सपायरी 1 साल के बाद एक्सपायरी है, उसके बाद 1 ईयर, दैट मीन्स 2 ईयर्स आ रहा है और आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, और उसके बाद 3 ईयर्स, तो 3 ईयर्स इज मच लॉन्गर देन 2 ईयर्स. तो आपको उसकी केस में डिस्ट्रीब्यूशन के बाद 3 साल वाला प्रोसीड्योर फॉलो करना है और उसको 3 साल के लिए रिजर्व सैंपल को स्टोर करना है. For API with retest date, similar reserve samples should be retained for 3 years after the batch is completely distributed by the manufacturer. The reserve sample should be stored in the same packaging system in which the API is stored, or in one that the equivalent to the more protective than the marketed packaging system. Sufficient quantities should be retained to conduct at least 2 full compendial analysis. ये भी important है कि कितना quantity आपको reserve sample रखना है, इतना quantity रखना है ताकि उससे 2 compendial analysis complete हो सके. Compendial मतलब pharmacopeial. तो pharmacopeia में mention जितना भी testes है उस API के ऊपर, तो सारा टेस्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए जितना एपीआई चाहिए उससे 2 गुना, मतलब एक पूरा टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए जितना चाहिए उससे 2 टाइम्स ज्यादा सैंपल रखना चाहिए. और व्हेन देयर इज नो फार्माकोपियल मोनोग्राफ, जहां पे मटेरियल आपका फार्माकोपियल मोनोग्राफ में अवेलेबल नहीं है, उसकी केस में 2 फोल स्पेसिफिकेशन एनालिसिस. तो अगर मोनोग्राफ में नहीं है तो स्पेसिफिकेशन तो होगा ना, मैन्युफैक्चरर का अपना स्पेसिफिकेशन बनाया होगा जिसके अकॉर्डिंग उसने टेस्ट किया, उसको रिलीज किया, तो उस स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2 फुल एनालिसिस होने तक सैंपल उसके पास अवेलेबल होना चाहिए. अभी आगे बढ़ते हुए चलते हैं वैलिडेशन की ओर. वैलिडेशन पॉलिसी, वैलिडेशन करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन के पास वैलिडेशन का पॉलिसी होना चाहिए. चलिए देखते हैं क्या पॉलिसी होना चाहिए. द कंपनीज ओवरऑल पॉलिसी, intentions and approaches to the validation, including the validation of the production process, cleaning procedure, analytical method, in process control, test procedures, computerized system validation, persons responsible for design, review, approval and documentation. Each validation phase should be documented. So validation kaise kaise hota hai, yahan pe bol diya already. Validations hota hai प्रोडक्शन जो प्रोसेस है उसका वैलिडेट करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल है, ताकि इसको हम लोग बोलते हैं प्रोसेस वैलिडेशन. उसके बाद हम लोग और क्या वैलिडेट करते हैं, क्लीनिंग वैलिडेशन, क्लीनिंग प्रोसेस को हम लोग वैलिडेट करते हैं. एनालिटिकल जो मेथड, जो भी टेस्टिंग मेथड से हम लोग एनालिसिस परफॉर्म करते हैं उस मेथड को वैलिडेट करते हैं, जिसको AM भी बोला जाता है, एनालिटिकल मेथड वैलिडेशन. इन प्रोसेस कंट्रोल, टेस्ट प्रोसीड्योर, जो भी इन प्रोसेस कंट्रोल, जो भी अपने पास कंट्रोल मीटर्स रहता है उसको वैलिडेट किया जाता है. कंप्यूटराइज सिस्टम, जितना भी ऑर्गेनाइजेशन में कंप्यूटराइज सिस्टम अवेलेबल है उस कंप्यूटराइज सिस्टम को वैलिडेट किया जाता है. पर्सनल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजाइन, जो डिजाइन की सबसे जितने भी पर्सन अवेलेबल है वो पर्सन का डिजाइन को भी वैलिडेशन किया जाता है. उसका रिव्यू, अप्रूवल, डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस, सब कुछ वैलिडेशन होता है, और वैलिडेशन प्रोसेस को डॉक्यूमेंट करके रखना होता है लाइफ टाइम के लिए. अभी लेट्स डिस्कस अबाउट defining the API in terms of critical product attributes, identifying the process parameters
that could affect the critical quality attributes of the API. Determining the rare range for which the critical process parameters expected to be used during the routine manufacturing and the process controls. So, during routine manufacturing or process को execute करने के लिए जो भी operating range रहेंगे उस range को भी validate किया जाता है. हम validation documentation को देखते हैं. A written validation protocol should be established that specifies how the validation of a particular process will be conducted. The protocol should be reviewed and approved by the quality units and other designated units. The validation protocol should be specify critical process steps and acceptance criteria as well as the type of the validation to be conducted. Abhi yahan pe important hai ki type of the validation. So validation kitna type ka hota hai. Example, retrospective validation, prospective validations and concurrent validation. And the number of the process runs. आगे बढ़ते हुए चलते हैं देखते हैं. Results obtained, committing on any deviations observed, or drawing the appropriate conclusions, including recommending the changes to correct deficiencies. Any variations from the validated protocol should be documented with appropriate justifications. तो मतलब क्या है कि validation तीन तरह का समझ में आया. एक तो है कि retrospective validation, दूसरा है prospective validations और तीसरा है concurrent validation. अभी retrospective और prospective ये दोनों validations first three batches को commence करने से पहले ही हो जाता है. Concurrent validations क्या होता है कि एटलीस्ट 10 से लेके 30 बैचेस का मिनिमम समराइज करके फिर फ्यूचर के लिए जो वैलिडेशंस कॉन्करेंट वैलिडेशंस कॉन्कर किया जाता है. तो फ्यूचर में हम लोगों को हिस्टोरिकल डेटा को इवैल्यूएट करते हुए ये वैलिडेशंस को किया जाता है. इसको बोलते हैं कॉन्करेंट. एक स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद होता है जिससे हम लोग इवैल्यूएट कर सकते कि अपना पूरा ऑर्गेनाइजेशंस का जो भी इनिशियल वैलिडेशंस हुआ था वो क्वालिटी एट्रीब्यूट्स फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको इवैल्यूएशंस करने के लिए कॉन्करेंट वैलिडेशंस किया जाता है. अभी आगे चलते हुए देखते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में. बिफोर स्टार्टिंग द प्रोसेस वैलिडेशन एक्टिविटीज एप्रोप्रिएट क्वालिफिकेशन ऑफ द क्रिटिकल इक्विपमेंट्स एंड एंसिलरी सिस्टम्स शुड बी कंप्लीटेड. काफी इंपॉर्टेंट समझने के लिए कि क्वालिफिकेशंस क्या होता है. क्वालिफिकेशंस हम लोग कब करेंगे कि बिफोर परफॉर्मिंग द वैलिडेशंस जब भी प्लांट इनिशियल स्टेज में है तो हम लोगों के पास जितना भी इक्विपमेंट्स अवेलेबल है या फिर एंसिलरी सिस्टम्स अवेलेबल है वो सबको हम लोग पहले क्वालिफाई करेंगे. क्वालिफिकेशंस इज यूजुअली कैरिड आउट बाय कंडक्टिंग द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंडिविजुअली बाय और कंबाइंड. एक साथ में भी कर सकते हैं और अलग अलग करके भी कर सकते हैं. उसमें हम लोग क्या क्या चीज चेक करते हैं. डिजाइन क्वालिफिकेशन और DQ. डिजाइन क्वालिफिकेशन में क्या करते हैं. डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन दैट द प्रपोज्ड डिजाइन ऑफ द फैसिलिटी इक्विपमेंट सिस्टम इज सुटेबल फॉर इंटेंडेड पर्पस. मतलब क्या है कि जितना भी इट्स अ डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन. डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसीड्योर है जिसमें क्या करते हैं कि जितना भी सपोज एक इक्विपमेंट है इक्विपमेंट का डिजाइन को हम लोग या फिर फैसिलिटी हो सकता है सिस्टम हो सकता है कुछ भी हो सकता है वट एवर इज सुटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पस उसको हम लोग डिजाइन करते हैं. दैट इज और इट्स अ काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन. तो द पर्पस इज टू फुलफिल द इंटेंडेड सुटेबिलिटी और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो डिजाइन करते हैं प्लांट के अकॉर्डिंग जो डिजाइन करते हैं और वो डिजाइन को एग्जीक्यूट करने का प्रोसीड्योर को डिजाइन क्वालिफिकेशन बोला जाता है. अभी आगे देखते हैं इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में IQ बोल रहे हैं. डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशंस दैट द इक्विपमेंट और सिस्टम एज इंस्टॉल्ड और मॉडिफाइड
कॉम्प्लाई विद अप्रूव्ड डिजाइन. अभी जो डिजाइन हम लोगों ने पहले कर चुके हैं डिजाइन क्वालिफिकेशन के टाइम पे, उस अप्रूव्ड डिजाइन के अकॉर्डिंग जो भी इंस्ट्रूमेंट या फिर इक्विपमेंट या फिर सिस्टम इंस्टॉल हो रहे, उस इंस्टॉलेशन को वेरीफाई करना मैन्युफैक्चरर का रिकमेंडेशन की हिसाब से और यूजर रिक्वायरमेंट की हिसाब से और URS की हिसाब से, उसको बोलेंगे इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. मतलब एज पर द डिजाइन जो भी हम लोग डिजाइन किए थे DQ में, उसी चीज इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंस्टॉल उसी के अकॉर्डिंग इंस्टॉलमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना इज कॉल्ड इंस्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. अभी आगे बढ़ते हुए देखते हैं ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन दैट द इक्विपमेंट और सिस्टम एज इंस्टॉल्ड, जो भी इंस्टॉल हो चुका है और मॉडिफाइड भी हो सकता है, परफॉर्म एज इंटेंडेड थ्रू आउट द एंटिसिपेटेड ऑपरेटिंग रेंज. अभी देख रहे हैं, अभी आ गया है एक ऑपरेटिंग रेंज के बारे में बात कर रहे हैं. पहले देखा कि इंस्टॉलेशन हुआ, अभी हम लोग को एंटिसिपेटेड ऑपरेटिंग रेंज के अंदर में ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है. इंस्ट्रूमेंट तो इंस्टॉल हो चुका है या इक्विपमेंट इंस्टॉल हो चुका है या फिर सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है, अभी उसी सेम इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट या सिस्टम एडिक्वेटली जो उसका ऑपरेटिंग रेंज है, उस ऑपरेटिंग रेंज के अंदर परफॉर्मेंस कर रहे कि नहीं कर रहे, उसको वेरीफाई करने के लिए हम लोग बोल रहे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन. उसको ऑपरेशन को हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ, तो इसको बोलेंगे ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन. अभी देखेंगे आगे बढ़ते हुए परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन, दैट इज PQ, डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन दैट द इक्विपमेंट और एंसिलरी सिस्टम एज कॉमेंस टुगेदर कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड रिप्रोड्यूसिबली बेस्ड ऑन द अप्रूव्ड प्रोसेस मेथड एंड स्पेसिफिकेशन. अभी ये दो तीन शब्द को ऊपर फिर से जोड़ दिया जाए. देखिए क्या बोल रहे, एक तो है इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट या एंसिलरी सिस्टम जो भी है, उसको हम लोग अभी क्या चेक कर रहे हैं कि उसका परफॉर्मेंस चेक कर रहे हैं. पहले भी परफॉर्मेंस चेक किए थे, बट उसका ऑपरेटिंग रेंज के अंदर वो परफॉर्म कर रहे हैं कि नहीं कर रहे वो चेक किए थे. अभी क्या चेक करेंगे, उसका इफेक्टिवली उसको परफॉर्मेंस कौन हो रहे कि नहीं हो रहे, और वो रिप्रोड्यूसिबली हो रहे कि नहीं हो रहे, मतलब बार बार होना. एक बार होने से नहीं होगा, ऑपरेटिंग रेंज के अंदर एक बार काम किया अच्छा है ठीक है, बाद नेक्स्ट टाइम पे काम ही नहीं कर रहे, ऐसा नहीं. वो इफेक्टिवली काम कर रहे और वो रिप्रोड्यूसिबली कर रहे हैं. और ये ऑपरेटिंग रेंज हम लोगों को क्या क्या हो सकता है, हम लोगों के पास जो अवेलेबल मेथड है, जो प्रोसेस है, या फिर अपने पास जो भी स्पेसिफिकेशन है, कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग वो काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बट दैट मीन्स परफॉर्म. अभी वो परफॉर्म कर रहे कि नहीं कर रहे, उस इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट या फिर सिस्टम प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे कि नहीं कर रहे. जैसे मान लीजिए आपने एक बाइक खरीदा है, तो बाइक को आपने चला के देखा ऑपरेटिंग रेंज के अंदर. जैसे मान लीजिए सपोज एक बाइक आपने खरीदा और उसको आपने चलाया, उसका ऑपरेटिंग रेंज मान लीजिए बोला है कि मैक्सिमम उसको 160 स्पीड तक वो जा सकता है, तो आपने एक बार चलाया तो चला गया, उसके आपने इनिशियल से लेके 160 तक चला के देख लिया, मगर बार बार चला नहीं से वो जाता है कि नहीं जाता है, वो भी तो देखना पड़ेगा. तो परफॉर्मेंस चेक करने का जो प्रोसीड्योर है, डॉक्यूमेंटेड वेरिफिकेशन, दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस क्वालिफिकेशन. आगे बढ़ते हुए चलिए देखते हैं अप्रोचेस फॉर प्रोसेस वैलिडेशन. जो भी हम लोग प्रोसेस वैलिडेशन करते हैं, वो प्रोसेस वैलिडेशन करने का अप्रोच क्या रहेंगे. द प्रोसेस वैलिडेशन, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PV बोलते हैं, इज द डॉक्यूमेंटेड एविडेंस दैट द प्रोसेस ऑपरेटेड विद इन द एस्टेब्लिश्ड पैरामीटर्स कैन परफॉर्म इफेक्टिवली एंड रिप्रोड्यूसेबली टू प्रोड्यूस एन इंटरमीडिएट और API मीटिंग इट्स प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस एंड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स. तो प्री डिटरमाइंड स्पेसिफिकेशंस और क्वालिटी एट्रीब्यूट्स को मीट कर रहे कि नहीं कर रहे, उसको वेरीफाई करने के लिए जो भी हम लोग वैलिडेशन को एग्जीक्यूट करते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस वैलिडेशन, और शॉर्ट फॉर्म में इसको PV बोलते हैं. अभी प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन परफॉर्म्ड ऑन द API प्रोसेस शुड बी कंप्लीटेड बिफोर कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन. तो मतलब प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन का जो भी प्रोसीड्योर होगा, वो बिफोर परफॉर्मेंस ऑफ द कमर्शियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फाइनल ड्रग प्रोडक्ट प्रोडक्ट, तो पहले ही वो हो जाना चाहिए प्रोस्पेक्टिव, तभी तो प्रोस्पेक्ट उसका. इट इज अ प्रोस्पेक्टिव वैलिडेशन. कॉन्करेंट वैलिडेशन कैन बी कंडक्टेड
इवन डेटा से फ्रॉम द रेप्लीकेट प्रोडक्शन रन जो पहले हम लोग बोल रहे थे आर अनअवेलेबल बिकॉज ओनली अ लिमिटेड नंबर ऑफ एपीआई बैचेज हैव बीन प्रोड्यूस्ड. एपीआई बैचेज आर प्रोड्यूस्ड इनफ्रीक्वेंटली और एपीआई बैचेज आर प्रोड्यूस्ड बाई द वैलिडेटेड प्रोसेस दैट हैज बीन मॉडिफाइड. And exceptions can be made to the retrospective validations for well-established processes that have been used without significant changes to the API quality due to the changes in the raw materials, equipment, system, facilities, or the production process. Critical quality attributes and the critical process parameters have been identified. So, हम लोगों को क्या-क्या चीजें देखना है? एक बार गो थ्रू कर लेते हैं. एक तो है कि क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स और क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स शुड बी आइडेंटिफाइड. उसको हम लोग वैलिडेशन इसलिए करते हैं कि जो भी हम लोगों को क्रिटिकल क्वालिटी एट्रीब्यूट्स जो हम लोगों को क्वालिटी को इम्पैक्ट करते हैं डायरेक्ट इम्पैक्ट करते हैं उस चीज को समझने के लिए और प्रोसेस पैरामीटर्स को भी क्रिटिकल प्रोसेस पैरामीटर्स मतलब जो पैरामीटर्स प्रोसेस के ऊपर क्रिटिकली इम्प्लाइड है जो क्वालिटी को डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं मोल्ड कर सकते हैं जिसकी वजह से क्वालिटी के ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंस है उसको समझने के लिए हम लोग वैलिडेशन को परफॉर्म करते हैं. एप्रोप्रिएट इन प्रोसेस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया एंड कंट्रोल्स हैव बीन एस्टैब्लिश्ड. एप्रोप्रिएट इन प्रोसेस एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को समझने के लिए और कंट्रोल्स को एस्टैब्लिश करने के लिए जानने के लिए हम लोग वैलिडेशन को एग्जीक्यूट करते हैं ये वैलिडेशन को. उसके बाद है देयर हैव नॉट बीन सिग्निफिकेंट प्रोसेस और प्रोडक्ट फेलियर्स एट्रीब्यूटेड टू कॉज द ऑपरेटर एरर इक्विपमेंट फेलियर अनरिलेटेड टू द इक्विपमेंट सुटेबिलिटी. इंप्यूरिटी प्रोफाइल have been established for the existing API. Batches selected for retrospective validation should be representative of all batches made during the review period, including any batches that fail to meet the specifications and should be sufficient in number to demonstrate the process consistency. आगे देखते हैं process validations का program कैसे design किया जाता है. For prospective and concurrent validation, three consecutive successful production batches should be used as a guide. For retrospective validation, generally data from the 10 to 30 consecutive batches should be examined to assess the process consistency. But fewer batches can also be examined if justified. Critical process parameters should be controlled and monitored during the process validation studies. Process parameters unrelated to the quality such as variable control to minimize the energy consumptions or equipment use need to be included in the process validation study. आगे देखते हैं. Process validation should confirm that the impurities profile of all the APIs is within the limits specified. Periodic review of validated system. While no significant changes have been made to the system or process and the quality review confirms that the system or process is consistently producing the material meeting its specifications, there is normally no need to revalidations. Cleaning validation. Validation of the cleaning procedure should reflect actual equipment usage patterns. If validation of API intermediate are manufactured in the same equipment and the equipment is cleaned by the same process, then the retrospective intermediate or API can be selected for the cleaning validation. This selection should be based on the solubility and the difficulty of the cleaning and the calculations of reduced limit based on the potency, toxicity and stability.
the equipment to be cleaned produces material acceptable cleaning levels, parameters to be maintained, monitored, and controlled, and analytical methods. Now, sampling should include swabbing, rinsing, or alternative methods like direct extractions to detect the insoluble and or soluble residues. Quantitatively, measuring the levels of the residues remaining in the equipment surfaces after cleaning, swab sampling may be impractical when the product contact surfaces are not easily accessible due to the equipment design and or the process limitations. Example, inner surface of the hose, transfer pipe, reactor tank, etc. Small interact equipment. The detection limit for each analytical methods should be sufficiently sensitive to detect established acceptable limit of residue or contaminants. The methods alternative attainable recovery levels should be established. The residues limit should be practical, achievable, variable, and is based on the most deliberate residue. Minimum known pharmacological, toxicological, or physiological activity of the API. Equipment cleaning or sanitization studies should address microbiological endotoxin contaminations for those of the process, while it is need to be reduced to the total microbiological count or endotoxins in the API. Now, cleaning procedure should be monitored at appropriate intervals after validations. Ensure that the process or the procedure are effective when used during the routine production activities, analytical testing, visual examinations, etc. Validation of analytical method. Analytical methods should be validated unless and otherwise the method employed is included in the relevant pharmacopoeia or the recognized standard references. Method should be validated to include considerations of characteristics included within the ICH guideline on the validation of analytical methods. Now, let's discuss about change control. Formal change control system should be established to evaluate all the changes that may affect the production and the control of the intermediate or API. It is a written procedure and should provide the identification documentation, appropriate review, approval and changes in the raw material specification, analytical methods, facilities, support system, equipment including computer hardware, processing steps, labeling, packaging, software, computer software, etc. Let's discuss about rejection and the reissue of material. Let's first discuss about rejection. Intermediate or API. Failing to meet the established specifications should be identified as such and the quarantine. This intermediate or API can be reprocessed or reworked as described. And the final disposition or rejections should be recorded. Agar koi bhi intermediate or API uska established specification meet nahi kar paya to usko immediately sabse pehle quarantine karke rakhna hai aur immediately after quarantine usko reprocess or rework kiya ja sakta hai. Agar nahi ho paya to final material ko dispositions procedure ya phir rejections ka procedure follow karna hai aur usko record maintain karna hai, usko recorded karke rakhna hai. Now reprocessing kafi important term hai. Reprocessing. Introducing an alternative.
intermediate or API, including so one of the so, that does not so, conform to the standards or specifications, back into the so, process and the so, reprocessing so, by the repeating crystallization steps or other appropriate chemical or physical manipulation steps. Example, distillation, filtration, chromatography, milling, etc. That are the part of the established manufacturing process is generally considered acceptable. However, if such reprocessing is used for a majority of batches, such reprocessing should be included as part of the standard manufacturing process. इसमें last में जो term include किया गया है कि अगर देखा जाए कि majority of batches में reprocessing किया जा रहा है, तो reprocessing का जो steps है उसको manufacturing process में include किया जाए, ताकि बार-बार reprocessing करने का जरूरत ना पड़े. Reworking before a decision is taken to rework a batch that does not conform to the established standard or specification, and investigations into the reason for non-conformance should be performed. Correct. Batches that have been reworked should be subjected to appropriate evaluations, testings, stability testings, if warranted, and documentations to show that the reworked product is of equivalent quality to the procedures produced by the original process. Concurrent validations is often appropriate validation approach for reworked procedure. So this allows a protocol to define the reworked procedure, how it will be carried out, and expected results also included in these validations. If there is any one single batch is reworked, then a report can be written and the batch released once if it is found to the acceptable limit. Aage dekhte hain recovery of the material and solvents. Recovery, example, from some other liquor or filters of reactants, intermediate or API is considered acceptable, provided that the approved procedure exists for the recovery of the recorded material to meet the specifications suitable also for their intended use. Returns. Returned intermediate or API should be identified as such and quarantined. If the conditions under which the returned intermediate or API have been stored or shifted before or during the return of the material or containers, then the quality of the returned material, that is intermediate or API, should be reprocessed, reworked, destroyed, or whatever is appropriate. The action should be taken accordingly. Now, let us discuss about record of return intermediate or API should be maintained. For each returns, documentation should include name and address of the consignee, intermediate or API, batch number, quantities returned, reason for return, use or and disposal of the return intermediate or API. These documents should be included. आगे बढ़ते हुए चलते देखते हैं कि complaint और recalls के बारे में. All the quality related complaints, whether it's received orally or written, should be recorded and investigated according to the written procedure. जो भी हमें हम लोग पास complaint receive होगा, ताकि वो orally हो या फिर written procedure के through हो, उसका written investigation procedure follow करना जरूरी है. Complaint में हम लोग क्या क्या चीज include करेंगे उसके बारे में briefly जान लेते हैं.
नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेंट, यहाँ से कंप्लेन आया है, कौन भेजा है, कहाँ से है, उसका एड्रेस क्या है, नेम और एप्रोप्रिएट टाइटल, फोन नंबर ऑफ द पर्सन सबमिटिंग द कंप्लेंट, कंप्लेन नेचर इंक्लूडिंग द नेम, बैच नंबर ऑफ द एपीआई, डेट ऑफ द कंप्लेंट रिसीव, एक्शन इनिशियली टेकन इंक्लूडिंग द डेट्स एंड आइडेंटिटी ऑफ द पर्सन टेकिंग द एक्शन, एनी फॉलो अप एक्शन विद रिक्वायर्ड, रिस्पॉन्स प्रोवाइडेड बाई द ओरिजिनेटर और इंक्लूड द डेट ऑफ द पर्सन सेंट, फाइनल डिसीजन ऑफ द इंटरमीडिएट और एपीआई बैचलर। अभी देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर इंक्लूडिंग द लेबोरेटरीज, ऑल द कॉन्ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरर्स इंक्लूडिंग लेबोरेटरीज should comply, the GMP should define in this guideline. Special considerations should given to the preventions of the cross-contaminations and this maintaining the traceability. आगे बढ़ते हुए देखते हैं, agents, brokers, traders, distributors, repackers and relabelers. उसका उसमें कहा क्या है, एप्लीकेबिलिटी, दिस सेक्शन एप्लीकेबल टू एनी पार्टी अदर देन द ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स हु मे ट्रेड और टेक पोजीशंस रिपैक रिलेबल्स मैनिपुलेट और डिस्ट्रीब्यूट और स्टोर द एपीआई और इंटरमीडिएट. All the agents, brokers, traders, distributors, repackers, resellers should comply with the GMP definitions of this guideline. Credibility of the distributed API and intermediate agents, broker, trader, distributors, repackers, relabelers should also maintain the complete traceability of API or intermediate that they distribute. Documents that should be retained and is available include identity of the original manufacturer, address of the original manufacturer, purpose, purchase order, bill of the labeling, transposition documents, receipt documents, name and designation of the API or intermediate manufacturer's batch number, transportation or distribution records. All the authentic certificates of the analysis, including those of the original manufacturers, retest or expiry date. आगे देखते हैं quality management. ये थोड़ा सा brief कर लेते हैं इसके ऊपर, ज्यादा deeply नहीं जा सकते हैं. Agents, broker, trader, distributors, repackers or relabelers should establish the document and implement the effective system of thus managing the quality. Repackers, relabelers handling of the API intermediates. Repackers, relabelers also and as a holding of the API and intermediates should be performed under the appropriate GMP controls as stipulated in the guidelines. To avoid the mix up or loss of the API or intermediate identity or security. Stability studies justify the assigned expirations or retest date should be conducted if the API or intermediate is packaged in the different types of the container than those used by the API's manufacturer or intermediate manufacturer. Transfer of information. Agents, broker, distributor, packers or relabelers should transfer all the quality or regulatory information received from the API or intermediate manufacturers to the customer and from the customer to the API intermediate manufacturers. Handling of complaints and recalls.
agents, brokers, traders, distributors, packers, repackers, relabelers should maintain the records of the complaints and recalls as specified in the previous sections. And complaints should be handled and recalls should be done as per the specified procedure. Handling and returns. Returns should be handled as specified in the previous sections. The agent, brokers, trader, distributor, repackers, relabelers should maintain the documentation of the returned as API and or intermediates. मोटा-मोटी यही तक था ये गाइडलाइन. कैसे लगा आप लोगों को बताइएगा जरूर. आगे फिर इसे नया गाइडलाइंस के साथ नए वीडियो दोबारा लेके आएंगे. आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलिए. देखते तो बहुत व्यूअर्स, बहुत लोग इसको व्यू करते हैं बट दे फॉरगेट टू सब्सक्राइब. Please don't forget, please press the red color subscribe button and don't forget to press the bell icon so that you will be notified for all future uploaded videos. So, please, साथ में जुड़े रहे, अच्छी तरह से रहे और guidelines को कभी मत भूलिए, guidelines को देखते रहे और ऐसे ही अपने साथ में हाथों में हाथ लगा के एक साथ निकलते रहे. कोरोना का साथ अगर लड़ना है सब लोगों को इकट्ठा एक साथ में घर में रहना, सेफ रहना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके गाइडलाइन को फॉलो करके चलना बहुत जरूरी है. आईसीएच का गाइडलाइन फॉलो करिए और WHO द्वारा जारी किया गया कोरोना वायरस के खिलाफ जितना भी गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करिए. सैनिटाइजर यूज करिए, सोप से फ्रीक्वेंट बेसिस पे हाथ वॉश करिए, हैंड वॉश करिए, मास्क जरूर पहनिए, मास्क पहनना बिल्कुल ना भूले. सेफ रहिए. शुक्रिया. थैंक्स अ लॉट.